अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में हरियाणा के गुरुग्राम का कनेक्शन सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले बदमाशों में से एक गुरुग्राम का रहने वाला है। वारदात के बाद उसके परिवार वाले घर का ताला लगाकर फरार हो गए। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने वाले में एक आरोपी की पहचान विशाल उर्फ कालू के रूप में हुई। विशाल गुरुग्राम की महावीरपुरा कॉलोनी का रहने वाला है। विशाल उर्फ कालू तीन भाई हैं। एक भाई पेंट के कारोबार से जुड़ा हुआ है। विशाल उर्फ कालू लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है। करीब एक माह पहले रोहतक में गुरुग्राम के व्यापारी की हत्या के मामले में उसका नाम सामने आया था। जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम सचिन मुंजल है। मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम ने गुरुग्राम पुलिस से संपर्क साधा है। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित आवास के बाहर 14 अप्रैल की सुबह गोली की आवाज सुनी गई। बाइक पर आए दो बदमाशों ने बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर हवा में कई राउंड फायरिंग की और घटनास्थल से भाग गए। मुंबई पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। घटना के बाद नया वीडियो सामने आया जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के सदस्यों ने अभिनेता के घर के बाहर गोलीबारी की। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार बाइक पर दो व्यक्ति सलमान के घर के सामने पहुंचने पर धीरे चलते हैं। वीडियो में बंदूक तीन बार डिस्चार्ज होते हुए दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति बाइक पर बैठा है और दूसरा अभिनेता के घर पर गोलियां चलाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला राजस्थान में बिश्नोई गिरोह से जुड़े रोहित गोदारा ने करवाया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस हमलावरों की पहचान करने में सफल रही। संदिग्धों में से एक की पहचान गुरुग्राम के विशाल उर्फ कालू के रूप में हुई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।